जिस टॉपिक पे आज मुझे बात करने को कहा गया है, ये कहना गलत ना होगा कि ऑलमोस्ट हर प्रेग्नेंट फीमेल इस प्रॉब्लम के साथ अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन के पास आती हैं, और समटाइम तो ये कंडीशन इतनी प्रॉब्लमेटिक और डेबिलिटेटिंग हो जाती है कि वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं, और वो है बैक एक इन प्रेगनेंसी, यानी कमर का दर्द हमल के दौरान। ये क्यों होता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम आज इस पे बात करेंगे। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर खदीजा खान है। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं इस वक्त एज एन एसोसिएट प्रोफेसर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सर्व कर रही हूँ। मेरा ताल्लुक इस फील्ड के साथ पिछले 10 से 12 साल से है। मैंने FCPS किया है और मैंने अपनी सब स्पेशलिटी इनफर्टिलिटी के अंदर की है। मैं ऑब्स और गायनी के ऑलमोस्ट तमाम चीज़ों को डील कर रही हूँ, जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसीज, पेचीदा प्रेगनेंसीज, यूट्रस ओवरीज के तमाम मिसाइल, PCOS, इनफर्टिलिटी वगैरह वगैरह। सबसे पहली वजह कि ये प्रेगनेंसी में क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो खातून का वेट बढ़ता है। उसका वेट बढ़ता है तो उसका प्रेशर उसकी कमर पर जाता है और उसकी वजह से पेन होती है। फिर सेकेंडली, एक मिथ और मिसकंसेप्शन है कि जब प्रेग्नेंट हो गए तो हमने एक के लिए नहीं, दो के लिए खाना है, और उसकी वजह से जब हम ये सारे चीज़ और मक्खन और देसी घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो हमारा वेट जितना गेन होना चाहिए उससे ज़्यादा गेन होता है, और उससे भी हमारी कमर का दर्द बढ़ जाता है। सेकेंडली, यूट्रस जब वो बढ़ता है, उसमें बच्चे की ग्रोथ होती है, तो वो भी पीछे कमर पर प्रेशर डालता है जिसकी वजह से कमर की दर्द होती है। ये उसके अलावा, जब प्रेगनेंसी होती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे को मूव कर जाता है, जिसकी वजह से हमारी कमर एक आर्च का की पोजीशन लेने की कोशिश करती है, और ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, एक नेचुरल फिनोमेना है जिसकी वजह से कमर में फिर से दर्द होती है। जब प्रेगनेंसी होती है तो हमारे अंदर एक हार्मोन रिलैक्सन, उसकी तादाद बढ़ जाती है, क्योंकि अल्लाह सुभाना ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि ये हार्मोन हमारे मसल्स को, हमारी हड्डियों को थोड़ा थोड़ा खोल देता है ताकि नॉर्मल डिलीवरी के नेचुरल प्रोसेस को आसान कर सके और बच्चा आराम से स्लिप होके बाहर आ सके। इससे भी कमर में दर्द होती है। एक और बहुत बड़ी वजह डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी है। हमारे पाकिस्तान की या हमारे रीजन की 70-80% फीमेल्स विटामिन डी एंड कैल्शियम डेफिशिएंट हैं। ये दोनों चीज़ें हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये उसके लिए एक न्यूट्रिशन है। जब उनकी डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली कमर में दर्द होगी। फिर एक और बहुत बड़ी वजह हमारी खुराक है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, गर्म नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना, हालांकि मेडिकल साइंस में गर्म और ठंडे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो वो तमाम चीज़ें जो हमारी हड्डियों को खुराक दे रही होती हैं, जैसे कोई अंडा है, कोई नट्स हैं, बहुत से लोग वो नहीं इस्तेमाल करते, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है हमारी कमर में दर्द की प्रेगनेंसी के अंदर। और फिर पोस्चर कुछ ऐसे हो जाता है आमतौर पे हमारा, ये भी सही नहीं है, इससे भी कमर की दर्द प्रेगनेंसी के अंदर बढ़ जाती है। ये तो हुई वजूहात, अब हम आते हैं कि हम इनको ठीक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेट गेन इसकी वजह है, तो कोशिश कीजिए कि उतना खाएं जितना ज़रूरत है। अपने डॉक्टर से पूछिए आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, कितनी चीज़ें लेनी चाहिए, और उतनी मकदार में खाएं ताकि आपका वज़न बहुत ज़्यादा ना बढ़े। अपने पोस्चर को ठीक रखिए, हाई हील्स पहनने को अवॉइड कीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज रखें, वॉक इज़ वेरी गुड, उससे भी हड्डियाँ रिलैक्स होती हैं, पेन कम होगी, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कीजिए। फिर बैक मसाज या बैक रब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन रियली हेल्प यू। इससे बहुत कई दफ़ा अक्सर बैक पेन कम हो जाती है, और दवाइयों के बजाय ये बहुत अच्छा तरीका है बैक पेन को कम करने का। आप घर में किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, थोड़ा हल्का हल्का बैक मसाज और बैक रब करा लीजिए। उसके अलावा कैल्शियम विटामिन डी का इस्तेमाल कीजिए। अपने डॉक्टर से रुजू करें, उनसे पूछें, अपने कैल्शियम विटामिन डी के लेवल्स को चेक कराएं, उनका इस्तेमाल करें, और थोड़ा सा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हल्की फुल्की बैक एक रहेगी। कोशिश करें कि दवाई ना खाएं बैक एक के लिए। अगर फिर भी आपका मसला हल नहीं हो रहा तो हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं, योगा इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, लेकिन उसमें केयरफुल रहिए कि उन फिजियोथेरेपिस्ट या योगा इंस्ट्रक्टर्स के पास जाइए जो प्रेगनेंसी को डील करते हैं। आई एम श्योर वो आपको ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आपकी कमर के दर्द को बेहतर करेंगे। अब
अब भी नहीं फ़र्क पड़ा तो अब क्या करना है, अभी भी दवाई ना खाइए। कई दफ़ा हमें ऑइंटमेंट्स मिल जाती हैं जो कि पेन किलर ऑइंटमेंट्स होती हैं, जिनको कि आप पीछे अपनी बैक पे रब कर सकते हैं या जिससे मसाज कर सकते हैं। अगर अभी भी फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनसे पूछ के दवाई का इस्तेमाल कीजिए, ऐसे दवाई मत लीजिए। थैंक यू वेरी मच। और आज जाने से पहले मैं सिर्फ फिर यही बताना चाहूँगी, बैक पेन एक नॉर्मल फिनोमेना है प्रेगनेंसी का, अपनी डाइट अच्छी लीजिए, डॉक्टर से पूछे बगैर दवाई का इस्तेमाल ना कीजिए। थैंक यू। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।